और अब बात करते हैं इन बड़ी खबरों के बाद जंग के 38वें दिन कैसे रूसी सेना ने मारियोपोल पर हमले तेज कर दिए हैं। बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 38वां दिन है और इस दिन भी लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर यह है कि यूक्रेन के तमाम शहरों में हमले जो हैं वो और ज्यादा तेज हो गए हैं। खासतौर पर अगर आप मारियोपोल की बात करेंगे तो वहां पर कब्जे को लेकर भीषण जंग लगातार जारी है। कीव से जहां रूसी फौज निकल रही है तो वहीं मारियोपोल में हमले ज्यादा तेज कर दिए गए हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से निकल कर आ रही हैं जहां पर हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। हालांकि एक जानकारी इन सबके बीच में ये भी आई है कि रूस पर भी हमला हुआ। राजेश पवार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, हम आपको बता दें कि आर्मी के वेटरन भी हैं और लगातार पहले दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन राजेश 38वें दिन हम और आप बात कर रहे हैं और खबर यह आती है कि यूक्रेन ने भी रूस पर हमला कर दिया। इसको लेकर हालांकि एक स्थिति जो है वो बनी हुई है कि सच है या झूठ है, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 38वें दिन जरा अपडेट दीजिए कीव से और जो ये बड़ी जानकारी आई कि यूक्रेन ने हमला कर दिया, इसका असर क्या देख रहे हैं भविष्य पर? देखिए, रूस ने जो है इल्जाम लगाया है यूक्रेन के ऊपर कि उसके दो हेलीकॉप्टर्स उसकी टेरिटरी के अंदर आए हैं और उन्होंने जो ये बेलोगोरद शहर है जो रूसी सीमा और यूक्रेनी सीमा के बिल्कुल नजदीक है, यहाँ उन्होंने एक फ्यूल डिपो को नष्ट कर दिया है। ऐसा इल्जाम रूस ने लगाया है जिसको यूक्रेन ने मना किया है। लेकिन देखिए, अगर ऐसा हुआ तो ये एस्केलेशन के साइंस हैं, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि वॉर आगे बढ़ेगी और ज्यादा घमासान होगी। देखिए, दूसरा बड़ा फैक्टर जो हमें नजर में रखना है वो है कि इस वीक अमेरिका ने प्रॉमिस किया है कि $300 मिलियन के नए हथियार वो रूस को सप्लाई करेगा, यूक्रेन को सप्लाई करेगा, जिसमें स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, 100 स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं और ये बहुत ही घातक हथियार है। इसका अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल हुआ है और ये 10 किलोमीटर की रेंज तक जाके जो आपको दिखाई भी नहीं देता वहां किसी भी टारगेट को खत्म करने में सक्षम है। तो इन सब फैक्टर्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में हमें और घमासान युद्ध देखने को मिलेगा, स्पेशली पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में। शुभांकर, नहीं तो क्या राजेश, उसका मतलब ये माना जाए कि 38वें दिन जो जंग है ये भी आगे लगातार बढ़ती जाएगी और हम ये मानकर बैठे कि हाल फिलहाल में कम से कम आने वाले कुछ दिनों में हफ्तों में ये जंग खत्म नहीं होने वाली है? देखिए, जंग खत्म होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा डिप्लोमेसी के ऊपर, बातचीत के ऊपर। अभी दोनों देशों ने इटली से भी रिक्वेस्ट किया है कि इटली किसी तरह की गारंटर बने इनकी पीस प्रोसेस में, पीस टॉक्स में। और जैसा कि आपने सुना कल सर्गेई लेवरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर है रूस के, उन्होंने हिंदुस्तान से भी रिक्वेस्ट की है कि वो मीडिएट करें दोनों देशों के बीच में। तो युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा ये डिपेंड करेगा डिप्लोमेसी के ऊपर, बातचीत के ऊपर। लेकिन जहां तक मिलिट्री एंगल का सवाल है, ये माना जा रहा है कि जो रूस ने विड्रॉल किया है कीव के आसपास के इलाकों से और चर्निहाइव से, वो ये सारी फौजें ईस्ट में रोटेट कर रहा है अभी। और ईस्ट में पूर्वी हिस्सा है जो यूक्रेन का दोनबास क्षेत्र में, जहां दोनेत्स्क रिपब्लिक और लुगांस रिपब्लिक है, वहां हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में घमासान युद्ध देखने को मिलेगा। शुभांकर जी, अच्छा कीव के हाल क्या है 38वें दिन जब हम और आप बात करते हैं, क्योंकि खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि कीव जो है अब वो पूरी तरह से आजाद हो गया है रूस के कब्जे से, आसपास के इलाके जो है वो फ्री करा दिए गए हैं। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जरा बताइए राजेश। देखिए शुभांकर, कीव में स्थिति काफी तौर पर सामान्य हो गई है। अभी लोगों की मूवमेंट, जो आम आदमी है उनकी गाड़ियां, उनकी नॉर्मल मूवमेंट काफी बढ़ गई सड़कों पर। ऐसा लगता है जैसे युद्ध से पहले वाला कीव धीरे धीरे वापस आ रहा है। सड़क पे रेस्ट्रिक्शंस कम हो गई है, चेकिंग्स कम हो गई है, सप्लाई जो है सुपरमार्केट्स के अंदर वो पूरी हो गई है। मैं आपको बता दूं, अल्कोहल पे बैन लग गया था, यहाँ पे किसी भी तरह के अल्कोहल प्रोडक्ट्स को बेचने पर पूरी पाबंदी थी, वो कल खोल दी गई है। काफी कैफेज और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जो लड़ाई के पहले दिन से बंद थे। ऑफिसेस खुल गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस ने काम करना शुरू कर दिया है ऑलमोस्ट नॉर्मल तरीके से। तो ये सब देख के लग रहा है कि कीव में और उसके आसपास के क्षेत्र में, जहां पिछले 2-3 दिन से कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई धमाके नहीं हुए हैं, यहाँ स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है।